वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शो मास्टर। अभी जो आज का एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो हुआ प्रतीक शुरू होता है दिन प्रतीक सहजपाल से ही आकाशा के साथ थोड़ा अनबन दिखाया उनका सीन। फिर हम बाजू में देखते हैं कि शमिता शेट्टी बोलती है कि मैं अकेली पड़ गई, मैं उन लोग से बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अकेली हूँ। तो वहीं पर विशाल बोलता है अकेली कहाँ पर, हम लोग हैं ना साथ में, तो हम लोग के साथ हो जा, तो हम लोग हैं यहाँ पे, सब बुढ़ मजे करते हैं यहाँ पे सब लोग। और फिर वही सेम डोनल और तेजस्वी का सेम किचन वाला लड़ाई, राशन के ऊपर बहस चालू था उन लोगों का। और काफ़ी डोनल बोल रही थी कि यहाँ पे अगर आटा कम पड़ जाता है, ये कम पड़ जाता है, और उन लोगों का वही राशन और किचन के ऊपर ही बहस था, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। कुछ लड़ाई भी इतना ये नहीं हो रहा है, बट वो लोग बस कॉन्वर्सेशन कर रहे और बहस कर रहे बस। और साथ ही साथ में हमने देखा कि वो जब गुफा के इसमें कुछ आता है उन लोग के लिए प्रोडक्ट आते हैं, तो उसमें उमर और करण कुंद्रा दोनों बहुत मज़े लेते हैं प्रतीक के, छुपाते रहते हैं, ये करते हैं लोग ना कुछ, तो प्रतीक का बहुत एपस में बहुत मज़े लिए लोगों ने। और कहीं ना कहीं प्रतीक बेचारा सोच रहा है कि यार कहाँ मैंने पंगा ले लिया, लोग अभी मतलब लोग रुला रहे अभी प्रतीक को, लिटरली प्रतीक अभी रोने के शक्ल में ही है। मतलब कितने बार हारेगा, वो बैग का सीन में भी आपने देखा कि वो हर बार वो बैग चीनने को जा रहा है, जबकि उसको पता है बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी बैग के पीछे पड़ा है। फिर भी वो टॉयलेट का वो कड़ी खोलना, जबकि सबको पता है टॉयलेट में नहीं रखा है वो, मैं फिर भी वो टॉयलेट खोलने के चक्कर में वो ना छुपा दे, क्या कर रहा है प्रतीक उसको ही नहीं पता। और यहाँ पर बहुत पब्लिक को उमर को देख के मज़ा आएगा, क्योंकि उमर का जो आवाज़ है सेम आसिम रियाज की तरह ही लगता है, और उमर बहुत सेंसिबल है और ज़्यादा ही सेंसिबल है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो डेंटल सर्जन है, तो वो डॉक्टर है, तो सेंसिबल तो रहेगा ही वो, और बहुत इंटेलिजेंट बात भी करता है। और उमर को देख के एक अच्छा सा फीलिंग आता है, थोड़ा अपना बिपोर सर्जन आसिम रियाज का थोड़ा थोड़ा उसको जब भी देखता बात करते तो आसिम रियाज ही डायरेक्ट हिट होता है। आज प्रतीक से बहुत बड़ी गलती हो गई, इनफैक्ट प्रतीक और निशान से अभी उन लोगों का इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ कि वो मतलब अंदर कोई नहा रही है, बट उन लोगों को पता था कि अंदर नहा रही है, ये पता था, बट उन लोगों का गलत इंटेंशन नहीं था, उनको बस लॉग निकालना था। लेकिन फिर भी गलत ये हो जाता है कि अगर तुमको पता है कोई अंदर नहा रही है तो तुमको वहाँ पर उंगली करने की कोई ज़रूरत थी नहीं पहली बात, क्योंकि अगर हम बात करें अगर मेरे घर पर भी अगर कोई नहा कोई गेस्ट आके अगर नहाती रहेगी, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, अगर लेडीज़ हो कोई नहाती रहेगी अगर कोई गेस्ट, तो मैं गेस्ट अगर कोई नहाती रहेगा तो अगर टॉयलेट का जो दरवाज़ा है दरवाजे पे कोई स्टिकर विकर भी लगा तो उसमें छूने की कोशिश नहीं करूँगा, ना कुछ हरकत करने की कोशिश करूँगा। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो अंदर जो पर्सन है उसका कुछ भी आवाज़ आएगा तो वो डर जाएगी। तो इनफैक्ट ये मेन मुद्दा है कि अगर टॉयलेट में कोई है तो आपको जाना नहीं चाहिए था, ना ही कुछ छिड़का नहीं करना चाहिए था, ताकि अंदर वाला डर ना जाए। तो एक और उसका बेस्ट मुद्दा ये था कि विधि ने इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं किया, अगर वो चाहती तो बहुत बड़ी इशू क्रिएट कर सकती थी, बस उसने उसे बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रखा, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में प्रतीक ज़्यादा हाइप होते जा रहा था कि भाई तुमको अगर एलिगेशन डालना तो डालो 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 करके बोल रहा था। वहाँ पर अच्छा से विशाल कोटे ने भी प्रतीक को समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, तू अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन तेरे को नहीं करना चाहता जो था नहीं करना चाहिए था। अगर तेरी बहन अंदर होती, अगर मैं यहाँ पे अगर जितने 15 लाचेस होने थे अंदर, अगर तेरी बहन अंदर होती, अगर मैं यहाँ पे कुछ कर देता तो तेरे को अच्छा लगता था, इतना पता प्रति बोलता कि हाँ ओके होता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। तो इतना वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रति ने दिया घटिया सा, जिसके वजह से सलमान सर भी आज बहुत बैच करने वाले उसको, क्योंकि ये तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं दे सकता कि कोई अगर घर वाला भी ना तो हम दरवाजे के आसपास जा ही नहीं सकते। पहले बात हमारे घर वाला कोई हो तो हमारा घर वाला अगर कहें तो, अगर मेरा कोई घर वाला जेंट्स हो तो ठीक है, अगर मम्मी हो या फिर बहन हो तो हम खुद नहीं जाएंगे दरवाजे के पास में, क्योंकि इतना तो अपने पास ही नॉलेज होता है, तो वो बंदे को भी इतना नॉलेज होना चाहिए था। अगर प्रत्येक इतना नॉलेजेबल नहीं है तो निशांत को होना चाहिए था, निशांत को समझना चाहिए था कि ये नहीं यार अभी मत कर, बाद में करते अपन जो है, कोई और जेंट्स को जाने देना निकले तब अपन जाके करते, लेडीज़ के टाइम पे नहीं करते, तो वो थोड़ा होना चाहिए था। वहीं पे पूरा घर प्रतीक पे चिढ़ जाता है, प्रतीक को चिल्लाना शुरू कर जाता है, तो वो एक थोड़ा अच्छा नहीं हुआ कि सब लोग वो टाइम पे प्रतीक को गलत ठहरा रहे थे, बट प्रतीक का इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो भौकलाहट में जो स्टेटमेंट दे रहा था ना,
तो स्टेटमेंट में ही घर वाले उसका फ़ायदा ही उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी घर वाले उस पर चिल्ला के बैठे। अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि अगर प्रतीक की जगह अगर जय भानुशाली होता और शमिता शेट्टी अंदर होता, तो सेम जो रिएक्शन घर वाले कर रहे वो सेम रिएक्शन प्रतीक किया होता था। अभी तो प्रतीक तो बहुत बड़ा हंगामा किया होता था। तो ये ऐसा नहीं देख सकते कि भाई घर वाले भी गलत कर रहे, ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि अभी उनको मुद्दा उठाना है, उनको रहना है घर के अंदर, तो कितना कितना मुद्दा उठाना। जबकि करण गुंजल लास्ट में बोला कि भाई ऐसा है नहीं, बट तुमको एक थिंग होना चाहिए कि अगर कोई लड़की नहा रही है तो तुमको तब नहीं जाना चाहिए, जब तुमको पता नहा रही है तो नहीं जाना चाहिए था, नहीं पता तो इट्स ऑल राइट, सिंपल। और यहीं पे हम एक फालतू सा चीज़ देखते हैं, जो महिषा और ईशान के बीच में रोमांस जो चालू है, ठीक है, ऐसा इतना भी नहीं, इससे भी बुरा बुरा वल्गर सीन जो अपने बिग बॉस में दिखाया गया है, तो लोग इतना बड़ा ये नहीं था, बट लोग लगातार चिपके बैठे थे, चिपके बैठे थे, जो कहने के अच्छा भी नहीं लगा। और ईशान इतना बेवकूफ़ सा लग रहा है कि अरे तुम, ऐसा लग रहा है कि उससे बॉडी वॉडी बनाया सिर्फ वो ये सब चीज़ों के लिए कैमरा। कुछ लड़के लोग होते हैं बॉडी बनाते हैं अपने अपना पैशन के लिए बनाते हैं, और मतलब स्ट्रांग रहने के लिए और लड़ने के लिए, हर मतलब उसके लिए बॉडी बनाते हैं, और कुछ लोग बॉडी बनाते हैं सिर्फ लड़कियों को पटाने के लिए, समझ रहे मेरी बात। तो उनमें से एक है वो ईशान और दूसरा है वो प्रतीक। प्रतीक भी सेम लड़की, मतलब ये लोग जो भी है बिस्किट बाजू अंदर आए सिम बना पर, मतलब ये लोग सेम वही दिखते कि लोग जो बॉडी बनाया है, इन लोगों ने सिर्फ लड़कियाँ पटाने के लिए बॉडी बनाया, और कुछ करने के लिए बॉडी नहीं बनाया। मॉडलिंग में घुसना है, लड़कियाँ पटाना है, ये शो ऑफ करना है, उसके लिए बॉडी बनाया है, ये क्लियर दिखता है। अगर तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारा टैलेंट होता है या फिर कुछ तुमको करना आगे, नॉर्मल से बॉडी बना के भी तुम उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बॉडी बना के सिर्फ लड़कियों को शो ऑफ करना है, बस यहाँ वहाँ पटाना, ये पटाना, स्पिट्स विला और ये सब गेम, ये सब शो में, शो के कंटेस्टेंट्स तो ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही कुछ लोग की तरह दिखते हैं। इतना जल्दी कौन फिसलता है 5 दिन के अंदर? वहाँ पे सिम्बा नागपाल भी एक स्टेटमेंट देता है ईशान खान के ऊपर कि ईशान खान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम वो महिषा से है, महिषा हर शो में ऐसी कुछ करती है, तो उससे दिखाता कि लड़की मतलब किस, एक्चुअली वो लड़कियों को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर लड़की इस तरह से करेगी तो कौन ज़्यादा लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे महिषा जो है लड़कियों के लिए ना एक गलत एग्जांपल सेट कर रही थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर बाहर जितने भी लड़के रहेंगे सब ऐसे जा रहे, सब लड़कियाँ ऐसी होती है, तो उनके मन में ऐसा बैठ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि महिषा गलत करी है, वो उसका राइट से, उसका चॉइस है, वो मतलब वो कर सकते हैं, उसके ऊपर है, बट हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए अगर मैं ऐसा करूँगी, वो भी नेशनल टीवी पे, अगर तुमको करना तुम अपने पर्सनल में कर रहे हो, नेशनल टीवी में अगर तुम करोगे तो तुम एक बैड एग्जाम्पल सेट करो दुनिया को कि हम लड़के मतलब ऐसे ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये गलत हो जाता है। और वहाँ पे प्रतीक को काफ़ी मना करने के बाद लोग कन्वर्सेशन करते करते इन लोगों ने वो बेड वेड सब उठा के यहाँ पे उठा के लेके आ गए। प्रतीक को मना किया मत करना, तो भी प्रतीक गुस्से जा रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है, बैग खींच रहा है, ये कर रहा है, इन लोगों ने डायरेक्ट लाके वो जितना भी गद्दा पड़ा था मैट्रेस वो सब ही उठा के यहाँ पे अपने बाहर गार्डन में डाल दिए, और ये बहुत मतलब गलत है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ ही हो गया। एक्चुअली में नियम के खिलाफ नहीं हुआ, बट फिर भी एक तरफ से देखा जाएगा तो कोई पसंद नहीं करे, मतलब बिग बॉस तो हरगिज़ नहीं और ना ही सलमान खान, शायद सलमान खान उसके लिए तो ज़रूर बैश करेगा कि तुम लोग घर के अंदर गए तो गए ठीक है, तुम लोग ढूंढने के लिए गए तो ठीक है, लेकिन तुमको अंदर का सामान बाहर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहीं पे हमने देखा अफसाना बहुत सेफ प्ले कर रही है, जब बेड सब लेके आया था बाहर, तो अफसाना डायरेक्ट बोलती है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, और कैमरा को देख के बोलती है कि बिग बॉस मैंने नहीं लाया, तो मतलब वो दिखा दी कि मतलब मैंने नहीं लाया, मेरे को मतलब आगे कुछ पनिशमेंट हो तो मेरे को मत देना, मतलब वो सेफ प्ले, मतलब यूनिटी से अलग हो रही थी वो। तो इस पर करण कुंद्रा भड़कता है, अगर हम लोग इकट्ठा कर रहे थे तो तुमको उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो वो भी साथ में करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो नहीं, तो पहले ही बता देने तुमको नहीं चाहिए करके, तो हम लोग क्या फालतू का उठा के ले गया ये सब, तो ये सीन हो गया। ये थोड़ी देर के बाद देखा कैप्टनशिप का जो टास्क हुआ, अभी यहाँ तक तो जाना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जो एकदम सिंपल सा टास्क था, कुछ भी नहीं था, वो तो क्लियर ऐसा दिख रहा था, और बिग बॉस भी कैप्टनशिप का जो टास्क डाल दिया, बिग बॉस को भी पता था यहाँ पर शमिता इजीली बन जाएगी, तो बिग बॉस में चलो कैप्टनशिप का टास्क डाल देते हैं यहाँ पे पब्लिक, अभी शमिता को अपने पास ले रहा है तो शमिता को ही कैप्टन बनाएगा, सिंपल सा चीज़ है, एक सिंपल सा टास्क होता है जिसमें शमिता शमिता शेट्टी इजिली कैप्टन बन जाती है,
उसमें जो को जैसी कैप्टनशिप का जो टास्क है ना, उसी तरह उसी वक्त देश की हर आधा से ज़्यादा पब्लिक समझ गई थी कि वो शमिता शेट्टी कैप्टन बनने वाली है। वहाँ पे कैप्टनशिप का जो टास्क चलता है, लोग एक एक को कन्विंस कर रहे थे, यहाँ पे निशांत कन्विंस करने का कोशिश किया पर निशांत का फ्लॉप हो गया। प्रतीक यहाँ पे आके बोलता है कि अरे तुम लोग आज कुछ इंटरेस्टिंग करो, तुम लोग ना मेरे को कैप्टन बना दो, आज कुछ इंटरेस्टिंग करो, जनता को मज़ा आ जाएगा। बेवकूफ़ जैसी वाली बातें की उससे। वहाँ पे उमर ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, अच्छा ऐसा करा तो मैं पूरा मतलब प्रॉपर्टी तोड़ दूँ क्या? इतना हंसते हैं उसका डायलॉग सुन के। और विशाल भी वहाँ पे बोलता है कि अच्छा कुछ मतलब अगर हम लोग ने ऐसा कुछ किया ना तो पब्लिक लोग ना हमारे फोटो पे थूकेंगे कि भाई तू किया क्या, किसको कैप्टन बनाया। अच्छा अच्छा कॉमेडी हुआ, हंसी मजाक, विशाल बहुत हंसी मजाक करता है और अच्छा, बहुत अच्छा बंदा लग रहा है वो, बहुत सुलझा हुआ है, सब समझता है। लेकिन आज के एपिसोड में ऐसा प्रोमो में देखा है विशाल थोड़ा भड़क गया है अफसाने के ऊपर, वो सीन थोड़ा बेकार होने वाला है, पता नहीं अभी एपिसोड देखेगा तो पता चलेगा। चलो आज का रिव्यू इतना ही है, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने का अगर अच्छा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।